अस्सलाम वालेकुम, नाम है मेरा शुएब और मैं आ गया हूँ आज एक और दिन की रुदात लेकर। दिन था जुम्मे का और मैं सुनाऊंगा आपको आज के दिन की स्टोरी कि आज का दिन मेरा कैसा रहा। एक मसरूफ़ हफ्ते के बाद छुट्टी वाले दिन मैं थोड़ा सा लेट उठा, जुम्मे के लिए रेडी होते होते थोड़ा सा टाइम लग गया और बिल्डिंग के पास जो मस्जिद थी वहाँ पर थोड़ा सा जुम्मा जल्दी होता है और मस्जिद भर भी जल्दी जाती है। तो मैं अपने रूममेट्स के साथ बीच साइड पर एक जामे मस्जिद है जामे जुन्नूर है वहाँ पर जुम्मा पढ़ने निकल पड़ा। ये मेरी बिल्डिंग से बीच की तरफ जाते हुए रास्ता है, मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया। बहुत प्यारी मस्जिद है और बिल्कुल बीच के साथ है, समुंदर के बिल्कुल साथ है। इसी डर में कि कहीं हमारा जुम्मा रह ना जाए, हम लेट ना हो जाए। जब आप किसी अच्छी नीयत के साथ किसी काम के लिए निकलते हैं तो फिर अल्लाह भी आपका साथ देता है। डर यही था और हमने जल्दी में गाड़ी भी भगाई कहीं जुम्मा रह ना जाए। लेकिन जब हम मस्जिद पहुँचे तो इमाम साहब पहला खुतबा भी दे रहे थे, तो इसका मतलब था कि हम जुम्मे की नमाज़ में इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे। इसके बाद हमने दूसरा खुतबा सुना और जुम्मे की नमाज़ अदा की। नमाज के बाद फिर मैंने थोड़ी सी मस्जिद की क्लिप्स लिए, अंदर से तो नहीं ले सका, ये बाहर से मस्जिद ऐसी दिखती है माशाल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद। स्टोरी ये थी कि हमारा मास्टर शेफ ठीक नहीं था और बाकी सब के मिजाज भी इस तरह चाह रहे थे। था जुम्मा और खानी हमने बिरयानी थी, तो डिसाइड यही हुआ था कि हम बिरयानी बाहर ही खाएंगे। जुम्मा पढ़ने के बाद हम पहले बुखारी अंकल के पास जाने लगे थे, लेकिन पता चला कि वहाँ पे काफ़ी रश है, तो यही सोचा गया कि किससे अच्छा बेहतर है हम किसी सस्ते ऑप्शन की तरफ जाएँ। हम पहुँचे जमील अंकल के पास, लेकिन जमील अंकल के पास भी बहुत रश थी। कैफेटेरिया छोटा सा था उनके पास और बिल्कुल फुल था, तो हमने सोचा कि यहाँ पर वेट करने से बेहतर है हम यहाँ से बिरयानियाँ पकड़ें और सीधे रूम में पहुँचें। मास्टर शेफ़ की गिज़ा नाल मिलना सा, उससे पहले असा क्या कि ना चाह पीनी है, चाह तो लाजमी पीनी सी क्योंकि छुट्टी वाले रोज़ चाह ना पियाँ तो दिहाड़ नहीं गुजरनी। फिर असा रुख किया टी टाइम ना ये का गुमान नहीं ग्रैंड मॉस्क की, उस तुम रात पहले व्लॉग ही दसी सी देड़ी है जी तो सामने अमीन मॉस्क की मस्जिद इतना माशाला बहुत प्यारी है। फिर ने पुराने असा पूछे हैं टी टाइम पर चाह ना असा ऑर्डर किया, चाह पीती तो फिर जिस कम है मरें असा निकलते से उस पास तक टूरी पे हैं। चाह पीने का मास्टर शेफ ने काम करने के बाद असा फारग हो तो सड़े मास्टर शेफ आ गया कि ना छाती अलगुरम बीच ना चक्कर लाई अच्छी है, काफ़ी टाइम हो गया इधर से आए निकलते हैं इस पासे तर पहुँचे हैं, बंदा ना बंदे नहीं साथ, आपू ऐसे आ दो चार बंदे और साढ़े से चले जाए फिरने से कैमरे चाहिए आए हैं। कपड़े भी सोने लगे से जुम्मे ना ध्याड़ा सा नाते धोते से असा आख्या चलो आए हुए तो इतना अच्छी एक फोटोशूट है करी कि नहीं, थोड़ियाँ शौकियाँ मारी कि नहीं है दुनिया की दस असा भी बाहर अच्छी रहे फिर नज़ारे अगर किना दहाँ कि जी हाँ असा अपन फोटो कि फोटोशूट करी रहे तो साढ़े मास्टर शेफ की एक और काम याद अच्छी रहा आना बसी जी जोला ना हूँ इतने फिरने रह सा एक और काम और भी करी अच्छी है। मैं पूछा कुदर जुलसा जी आने क्या महाराज जुलसा कुदर है किसा बंदे नाल मिलना मैं ख्याल जोला फिर तो गड्डी थोड़ी पीछे खड़ी की थी सी तो इतने पीछे एक कैफे भी है फिली इस टाइम इस तरह भी अच्छी बूह बहने होने से लेकिन ना फिर पीछे चाह ने रेट बढ़ाई छोड़े असा फिर उन्हें को लाश ने फिर उसके बाद हम अमारात की रोड पे हो लिए कुछ टाइम लैप्स रिकॉर्ड की। बहुत प्यारा रोड है और बहुत अच्छा ही रही है। जो लास्ट 2020 वर्ल्ड कप दुबई में हुआ था उसके क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस यहाँ पे एक स्टेडियम है वहाँ पे ही हुए थे, तो ये हमने जाते हुए कुछ टाइम लैप्स रिकॉर्ड किए हैं और वापसी भी कुछ टाइम लैप्स रिकॉर्ड किए थे। और आज का दिन कुछ इतना हैपनिंग था नहीं, बस रूटीन का मिलना मिलाना और कुछ मेरे मास्टर शेफ़ की तबीयत भी ख़राब थी, अपने भी मिजाज कुछ नालाह से थे,
तो बस कुछ वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि दिन ऐसा गुजरा है कि जहाँ पे टाइम लैप्स रिकॉर्ड किए वो स्लोमो रिकॉर्ड होते रहे और स्लोमो रिकॉर्ड टाइम लैप्स रिकॉर्ड होते रहे, तो बहुत सारी वीडियो मैसअप हुई हैं। उम्मीद है आपको ये एक और मिनी व्लॉग पसंद आया होगा।